सफलता के लिए कोई रहस्य नहीं दोस्तों, और आगे बढ़ने के लिए एकमात्र एक ही तरीका है, प्रयास करना, असफल होना, सीखना और आगे बढ़ते रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य जागेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि के लिए है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा विशेष है। जैसा कि आपने स्वयं थंबनेल में देखा होगा कि आधा साल निकल चुका है वर्ष 2023 का, और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि परेशानी में गया ये साल, आधा साल दुख में गया। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे अगस्त 2023 से दिसंबर 2023, ये 150 दिन, 5 महीने मेष राशि के जातकों आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। और निश्चित ही आपको बता देता हूं कि बदलाव तो बहुत बड़ा आएगा इन 5 महीने में। क्यों? क्योंकि गुरु के चांडाल दोष खत्म होगा। गुरु के जो चांडाल दोष बन रहे थे वो खत्म होगा। इसके साथ साथ जो शनिदेव वक्री हैं वो वक्र से मार्गी हो जाएंगे, और इसी बीच में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। राहु और केतु का परिवर्तन होगा इन 5 महीनों के अंदर, तो बदलाव तो बहुत बड़ा आएगा क्योंकि बहुत बड़े ग्रह परिवर्तन करेंगे। चलिए जानते हैं ये 5 महीने अंतिम मेष राशि के जातकों आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आएंगे। ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके जन्म राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। और दोस्तों अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में नंबर दिया गया है, उसी के आधार पर आप हमसे फ़ोन लगाकर जान सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये 5 महीने अगस्त से दिसंबर मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों जब हम अगस्त महीने की जब शुरुआत होगी तो मेष राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूर्यदेव आपके चौथे भाव में रहेंगे, फिर ये पांचवें भाव पे गोचर कर जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो पांचवें भाव पे मंगल, सूर्य और साथ ही साथ यहाँ पर बुध ग्रह की युति भी बनी रहेगी, शुक्र ग्रह की भी युति बनेगी। और यहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य भाव पे रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, और स्वयं की राशि पर आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, स्वयं लग्न पर बैठे रहेंगे, राहु बैठे रहेंगे और केतु आपके सप्तम भाव पे रहेंगे। तो अगस्त के महीने में यानी कई ग्रहों का परिवर्तन भी होगा, और ये 5 महीने तक आपको कई बड़े यानी कि परिवर्तन भी आपके जीवन में देंगे, कई बड़े आपको लाभ देंगे ये ग्रह। क्योंकि दोस्तों इन ग्रहों से राजयोग और धनयोग दोनों का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो राहु का चंडाल दोष भी खत्म होगा, और यहाँ पर देखा जाए तो त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होगा, जो आपके लिए शुरुआती अगस्त से ही बहुत बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। कैरियर हो या फिर बिजनेस व्यापार हो, आपको अगस्त से दिसंबर तक ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। किसी से बात व्याद ना करें, इस बात का ध्यान रखें। नौकरी कर रहे लोगों को बड़े अधिकारियों से संबंध बेहतर आपको बनाना होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो राहु का चंडाल दोष भी खत्म होगा, क्योंकि राहु का जब राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर यानी कि 30 अक्टूबर के बाद से स्थिति बदल जाएगी। आपके जीवन में कई बड़े राजयोग और धनयोग का निर्माण होगा, जिसके चलते आपका बिजनेस व्यापार तेजी चलेगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलेगी, कैरियर में लाभ होगा, नौकरी की प्राप्ति होगी, नई जॉब मिलेगी और अधूरे सपनों को साकार कर लेंगे। इन 5 महीनों में कई बड़े अच्छे अवसर आपके प्राप्त होंगे, धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, जीवन में सफलता कदम चूमेगी, जो कार्य अभी तक नहीं कर पाए वो कार्य बनेंगे, साथ ही धन व्यापार में आपको अधिक से अधिक वृद्धि होगी। कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे, महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति में आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक सफलताओं की प्राप्ति होगी। साथ ही बता दें कि धन संपत्ति का भी लाभ होगा,
कार्यक्षेत्र में अभी तक जो सफलता नहीं मिल पा रही थी वो सफलताएं मिलेंगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को भी पूरा कर पाएंगे। धन व्यापार में आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। इसमें आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी सराहनीय होंगे। पति पत्नी के बीच भी संबंध अच्छे होंगे। अगस्त से दिसंबर तक के महीने में आप नई गाड़ी नई वाहन की खरीदारी करेंगे। जो कुछ भी आपने खोया उसे प्राप्त करेंगे, लेकिन मेहनत परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु का यह परिवर्तन भी होगा, तो चंडाल दोष भी खत्म होगा। साथ ही साथ अगस्त से दिसंबर तक के जीवन में आपके कैरियर में लाभ होगा। धन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी जरूर हो सकती है। एक तो हॉस्पिटलाइज कर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो आप निर्णय लेंगे उसमें आपको मजबूती से लेने की ज़रूरत होगी। हालांकि घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, नौकरी कर रहे लोगों को भी बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपने पहले कुछ समय से जो परेशानी झेल रखी थी उस परेशानी से बाहर निकलेंगे और महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को कर पाएंगे। जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे नहीं बन पा रहे थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे। और बता दें कि भाई बहनों का सहयोग माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से कोई यदि आपको कुछ मिल सकता है या हेल्प मिल सकती है। साथ ही बता दें कि आपके प्रेम जीवन में भी खुशी आएगी। व्यापार तेजी चलेगा, व्यापार में लाभ होगा। शिक्षा में सुधार होगा, शिक्षा में बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बड़े संस्था में दाखिला ले पाएंगे, विदेश जा सकते हैं। विदेश से आपको पढ़ाई लिखाई आपकी पूरी हो सकती है। विदेश जाने की जो अगर इच्छा है तो वो प्रबल इच्छा पूरी होगी। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, नौकरी में उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और प्रेम जीवन में भी खुशी, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा, तो कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही बता दें कि यहाँ पर शनिदेव मार्गी होंगे, तो आपके जीवन में नई उपलब्धियाँ भी देकर जाएंगे। गुरु वक्री हो जाएंगे, तो आपके जीवन में भी आपको अब असर देखने को मिलेगा। यानी कि कई ग्रहों की राशि परिवर्तन, राजयोग और धनयोग का निर्माण, वक्री होना, राशि बदलना, इन क्षेत्रों के कारण, इन स्थितियों के कारण भी आपको विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुंडली में कई प्रकार के धनयोग का भी निर्माण होगा जो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर उपाय की बात करें तो इसमें आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, और साथ ही साथ आप इसमें गरीब निर्धन को आप कुछ न कुछ अपने कमाई का दसवां हिस्सा दान जरूर करें। साथ ही साथ बता दें कि इस दरमियान आप बजरंग बली की पूजा करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। तो ये था आपके लिए अगस्त से दिसंबर 2023 तक का राशिफल। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।